कंगना इसकी खबर आ रही थी कि आप अपनी बायोपिक डायरेक्ट करने वाली हैं, क्या ये बात सच है, क्या आप खुद ही इस फिल्म में अपना रोल निभाएंगी? डेफिनेटली, आई थिंक yes, Kareena is absolutely lovely and I think she is one of those very graceful and dignified people. I always see her and I feel that, you know, yaar, matlab ek kalakar ho to aisi ho, wife ho to aisi ho, maa ho to aisi ho, you know, she is the epitome of a perfect woman. Aur hamesha mujhe bahut protsahit karti hai, bahut pyare messages bhejti hai. लेकिन उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी और मेरी जो बायोपिक है वी आर वर्किंग ऑन दैट बिफोर दैट आई माइट स्टार्ट द ट्रिलॉजी बट बायोपिक विल हैपन डेफिनेटली मैम ऑलवेज वेल आई थिंक इलेक्शन से मैं नहीं, मेरा ऐसा इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है. काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% चांसेस भी नहीं है. मगर क्या मैं एक ऐसी युवक युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानती हूँ, आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया. सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वॉज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट, हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें, दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल. क्या मैं वैसी इंसान हूँ? नहीं. उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए, मेरे घर में बिजली पानी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है. सो दिस हैज़ टू चेंज एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए. हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कॉन्ट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है. यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी. आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज़ योर लीडर. यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन, हु वट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, वट यू थिंक. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना, दिस इज़ एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. सो दीज पीपल शुड बी आस्क्ड. ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है. मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ. देखो मैम, इंडस्ट्री में एक चलन है कि जो सरकार में होती है उसके गुणगान गाए जाते हैं. पहले 7 साल में एनडीए यूपीए था तो उसके गुणगान इंडस्ट्री गाती थी, अब एनडीए की सरकार है तो उनके गुणगान गाती है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री. देखिए थोड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लगता है? In a democracy, shift of power when happens, it's okay to be positive for a government, but if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you're being, you know, sort of an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate and to be like, okay, fine, we have a lot of faith in this person. There is nothing wrong in that. And, you know, as talking about I think I have had a very you know wide exposure of how things change in person's life. जैसे देश में चीज़ें change होती है, हमारे ऊपर भी हमारी personally भी life change होगी. So ये बहुत important है हम देश में interest लें, because हम देशी तो हैं, हम कौन हैं. सो ये बहुत ही मूर्खता की बातें ऐसे करना, मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज़, मेरी वो endorsement ना चले जाए या मेरे को वो कुछ, दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड. एंड ऑल्सो वेल देखिए हम लोग आई थिंक अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो है मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है, हर कोई आके हमारे ताज में, मतलब माय फ्रेंड अ वेरी डियर फ्रेंड जिनकी जो एक्टर भी हैं मेरे साथ धमाल टू में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको देयर शॉट इन दैट. तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना, कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने दो बच्चों को छोड़ के मेरे पास,
तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ ले, इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स ख़त्म हो रही है, ग्रीन कवर ख़त्म हो रहा है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आपको, आप सो कैसे जाते हैं? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए? और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? हाउ डू यू ऑल टॉलरेट दिस इन अ डेमोक्रेसी लाइक दैट? एंड देन यू मेक दिस पीपल योर रोल मॉडल्स? हाउ डज दैट वर्क? सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. See, I really don't have any idea कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आकर ही बात नहीं की जाती. एज अ ह्यूमन, एज अ इंडियन, यू नो, हम लोग यहाँ खड़े और हम लोग यहाँ रहकर भी, इस पोजिशन में रहकर भी वो सारी चीज़ें कह सकते हैं जो शायद पॉलिटिशियन नहीं कह पाते. सो आई थिंक एज एन एक्टर दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को लोग कहीं ना कहीं रोल मॉडल समझते हैं, एंड शी कैन टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो हर. सो आई थिंक शी डजंट नीड टू गो टू पॉलिटिक्स लाइक प्रॉपर पॉलिटिक्स. शी कैन बी हियर, स्टैंड हियर एंड टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो इट. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. थैंक यू. मैं आपको मेरे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई कैसे बताऊं? मैंने उनको बधाई दी जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया. बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी, एंड इस सिचुएशन को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है कोई नहीं हैंडल कर सकता था उस तरह से. और आई थिंक ही डिज़र्व्स, उनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है जितना उनका क्रिटिसिज्म होता है. जब यू नो, मतलब इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट that he is so devalued as a leader of the country that it is heartbreaking. So I think I just expressed my gratitude aap logo ke sabke behalf se ke we are absolutely grateful, yeah, that the way he has handled the situation and we feel safe in his leadership. That's the kind of conversation we have. मुझे तो नहीं लगता मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, क्योंकि आई रियली डोंट थिंक सो मित, बिकॉज आई हैव नो रीजन नॉट टू. बिकॉज एम आई कंसर्न अबाउट द कंट्री? आई एम एब्सोल्युटली कंसर्न, लेकिन कुछ तो चीज़ होनी चाहिए जो आप पैसों के लिए ना करें ज़िंदगी में. आई थिंक एज अ पॉलिटिशियन फिर भी आप मुझे कह सकते हैं कि यार इसका तो मतलब है, कह सकते हैं ना, चार लोग कह सकते हैं मुझे. बिकॉज पॉलिटिशियंस चाहे उनको 200 रुपये सैलरी भी मिलती हो फिर भी लोग कह देते हैं कि इन्होंने करोड़ों का घपला किया, राइट? लेकिन एज एन एक्टर तो आप मेरी इंटेंशन पे कभी डाउट कर ही नहीं सकते. जो मैं देश के लिए कह रही हूँ, ये सब लोगों के मैंने अभी नाम लिए हुए हैं, आपको क्या लगता है ये लोग इतने बड़े बड़े खंजर निकालेंगे? और जो भी आप अनाप शनाप अभी न्यूज़ पढ़ेंगे पेपर में मेरे बारे में, उन्हीं के पीआर ने करी होगी, यू नो. सो आई नो ऑल ऑफ दैट, आई नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई हैव सेड, बट आई एम ओके विद दैट. लेकिन ये किसी को तो कहना पड़ेगा. और मुझे बहुत गुस्सा था, आप लोग नहीं कहते हैं, आप लोग इन लोगों से सुन के लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं कहते इन लोगों को, यू नो. सो Yeah. 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 Advance, happy birthday. Thank you so much, Sumit.